हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस गाइस देखो अभी ताजमहल जा रहे हैं वैसे लेकिन बीच में भाई ये पड़ता है अपना लाल किला। कोशिश करेंगे भाई अगर टाइम रहा तो यहाँ पे भी आने की कोशिश करेंगे। बाकी देखो एक तो भाई बाहर से अच्छा आ रहा है और अभी चलेंगे भाई अपने ताजमहल में और वहाँ पे चल के दिखा भाई। इस साइड में लाल किला बोल रहे हैं भाई इसको, बाकी तो पता नहीं जाएगा वहाँ से इसका। और इस साइड में देखो यहाँ से दिखाई देता है ताजमहल। रिक्शा को तो रोक लिया पीछे ही यहाँ पे ताजमहल वगैरह के पास भाई अपने मतलब व्हीकल वगैरह जो लेके आते हैं वो आने नहीं देते यहाँ पे। और अब हो चुके भाई अपने पाँव पे भाई इस शशि का कुछ खास राज बताओ। दो पंक्तियाँ बोलो जल्दी। तेरे लिए ही है बस बंद करवाना। चलो भाई अभी चल रहे हैं यार एक बार ना और कितनी दूरी तय करनी पड़ती है और देखते हैं कितनी क्या करनी पड़ेगी और फिर वहाँ पहुँच के फिर मिलते हैं आपसे। देखो भाई आगे चल रहे हैं दोनों क्योंकि भाई हम ना चले गए थे हम लेकिन अब वापस आना पड़ गया हमें क्योंकि हमारे पास भाई बैग है और बैग अंदर ले जाना अलाउड नहीं है भाई। इसलिए यहाँ पे लॉकर वगैरह बना रखे हैं, लॉकर में रख के आएंगे भाई अपने बैग को। टिकट वगैरह काटते हैं यहाँ पे ना तो अंदर अगर वीडियो लॉकर के अगर बने देंगे तो आप दिखाएंगे कैसे लॉकर वगैरह है। और भाई बैग वगैरह रख देते हैं फिर मिलते हैं आपसे। देसी जुगाड़ दिखाता हूँ देखो पैसे बचाने की निंजा टेक्निक भाई। बैग के अंदर बैग डाल दिया ताकि लॉकर के अंदर भाई मतलब ना एक बैग के अकॉर्डिंग पैसे लेते हैं कि जितने बैग होते हैं जितने पैसे लेते हैं। तो भाई हमारे पास थे भाई चार बैग कन्वर्ट करके भाई कर दिया दो बैग और अब लॉकर में रख के आएंगे बैग को और फिर दिखाते हैं आपको आगे सीन। करवा दिए जमा और ये पर्ची दे दी भाई बैग की जगह पे और वापस मतलब ना भाई पर्ची दे देंगे उनको और बैग रख ले बैग दे देंगे हमें वापस। हो गए तो भाई और अभी चल रहे हैं भाई अब ताजमहल में। कंधे पे से भाई बोझ उतर गया सारे दिन कंधे बोझ रख रखे कंधे भाई नीचे हो चुके हैं बिल्कुल। और अभी चलते हैं भाई ताजमहल फिर दिखाते हैं आपका। रविंदर तुझसे बचने के लिए फॉर्मेलिटीज लिख रखी सारी चीजें स्पेशल भाई अंदर। और ये देखो चारों तरफ हरियाली वगैरह और इधर भीड़ भाड़ है भाई थोड़ी इधर देखो और उधर है भाई ताजमहल अपना। और ये है इधर से एंटर होंगे भाई ताजमहल के अंदर और ये अपनी टीम चल रही है आगे आगे और मैं इनके साथ साथ भाई पीछे पीछे चल रहा हूँ वीडियो बनाता हुआ। इनको कोई चिंता ही नहीं है भाई देखो और भाई इसे पार करते ही आ गया ताजमहल भाई इधर हो रहे हैं एंटर। और देखो उस टाइम के भाई दरवाजे वगैरह हैं देखो मतलब इन पे ना मतलब चाहते हुए कोई हमला नहीं कर सकता था यार इतनी खतरनाक थी ये चीज़ें। और ये देखो ये ऊपर भाई घूमर टाइप लगाया हुआ है उस समय का ही लगता है भाई वैसे तो ये। और इस साइड में देखो और ये है भाई सामने अपना ताजमहल देखो भाई भाई अभी जस्ट लाइट आई है और फवारे स्टार्ट हो चुके देखो और ये देखो ताजमहल। और भाई अभी चल रहे हैं ताजमहल के ऊपर ही चल रहे हैं पास से दिखाएंगे बिल्कुल आपको भाई। ताजमहल वगैरह तो सही है लेकिन मुझे ना एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही है देखो आर्मी वगैरह की यार यहाँ पे वैसे क्या ज़रूरत है वैसे मुझे पता भी नहीं है भाई इतना। बाकी एक बार आप बताना ज़रूर मतलब कमेंट वगैरह कर देना कि मतलब आर्मी वगैरह से यहाँ पे क्या ज़रूरत है इतनी। बाकी ये देखो भाई ताजमहल अपने पीछे भाई अपनी टीम तो फोटोग्राफी करवाने में लगी हुई है यहाँ पे फोटोग्राफी करवाई है भाई हमने ना ताजमहल की DSLR कैमरा के साथ। मैं क्या भाई करवा लेते हैं कोई बात नहीं है। और अभी भाई चलेंगे ताजमहल के ऊपर और फिर आपको दिखाएंगे अच्छे से ताजमहल के अंदर से भी और बाहर से भी। चलो
भाई आ चुके हैं ऊपर, और इधर देखो भाई, इधर भाई यमुना है कि क्या है भाई, ये नदी है पीछे। वैसे जैसे भाई पूरे गाँव पूरे मतलब ना शहर का गंदा पानी आता है वैसे तो, जिस वजह से मतलब अपने ताजमहल वगैरह की भी मतलब ना थोड़ी शाइनिंग वगैरह कम हो जाती है यहाँ पे। इसमें देखो भाई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रखा है, इसमें भाई यार अपना कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह का वर्क चलता ही रहता है। और इधर देखो बाकी भाई ना ये चारों तरफ से एकदम बिल्कुल सेम ही दिखाई देता है लगभग लगभग ना। और बाकी व्यू देखो आप आसपास का एरिया का, और भाई ये जो नदी है ये भाई काफ़ी ना बहुत लंबी है, उसके जस्ट पीछे से होके निकलती है ये। और भाई ऊपर वगैरह तो जाने नहीं दे रहे हैं आज वैसे ना। और वैसे भाई जिसको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ भाई ना, आगरा में यहाँ पे अगर आप आएँ तो ताजमहल भाई आप संडे को देखने आए, क्योंकि संडे को ताजमहल वगैरह का ना जैसे फ्री में ऊपर तक आप जाके देख के आ सकते हैं भाई फ्री में। और वैसे आप अगर देखेंगे तो 300 रुपये टिकट लगती है, और आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना जैसे यहाँ पे नीचे नीचे चारों तरफ घूमेंगे तो भाई 50 रुपये टिकट है, और यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो 300 रुपये टिकट लगती है। बाकी भाई यही है आज के भाई व्लॉग में, और चलते हैं भाई अभी एक बार ना बाहर, और फिर आपको दिखाते हैं आगे के सीन्स। तो पूरा ताजमहल घूम फिर के आखिरी में अभिप्राय भाई यही निकलता है इसका, इसकी मतलब ना लुक वगैरह है ना वो इसके फ्रंट साइड से ही सबसे ज़्यादा अच्छी इसकी फ्रंट साइड से लगती है भाई, इसकी लुक वगैरह देखो। बाकी साइड से भाई इतना नहीं हो पाता, लेकिन आगे से ना आगे से बहुत ही ज़्यादा गजब लगता है भाई ये। और भाई अभी निकल रहे हैं भाई यहाँ से ना, और अपना भाई आगे चल के अपने घर पर निकलने का प्लान, अब देखते हैं भाई कैसे क्या एग्जीक्यूट हो पाता अपना प्लान। कोशिश तो कर रहे हैं कि भाई अभी निकलें, बाकी आपको दिखाते हैं आगे के सीन्स। भाई वापस बाहर, और ये रहा भाई अपना लॉकर वाला, मतलब यहाँ पे बैग वगैरह रखे गए थे हम, और यहाँ से अब हमारा बैग ले लेते हैं और फिर चलते हैं भाई यहाँ से। देखो आ चुके हैं बाहर, और अभी निकल रहे हैं भाई घर के लिए, क्योंकि मम्मी पापा के अगर दो तीन बार कॉल आ चुका है कि कहाँ गया जल्दी आ जा, दो दिन हो चुके हैं वैसे गए यार, क्योंकि देखो भाई मेरी मम्मी पापा को थोड़ी ना आदत कम है मुझसे दूर रहने की ना, मैं घर से बाहर कम ही निकलता हूँ, बहुत कम आता हूँ ट्रिप वगैरह पर, घर पे ही रहता हूँ ज़्यादातर, इसलिए थोड़ा सा ना। और मुझे भी यार याद आ रही है घर की, और देखते हैं भाई ट्रेन मिलती है या फिर बस वगैरह मिलती है, जो भी मिलेगा दिखाएंगे आपको आगे के सीन्स। और अभी तो भाई निकल रहे हैं यहाँ से, भाई जा ही रहे थे लेकिन आगरा आए, और अगर पेठे नहीं लेके गए भाई आगे फेमस तो फिर क्या फ़ायदा, इसलिए भाई एक तो अपना ये ले लिया पेठा, और भाई अपने मलाई पेठा ले लिया है, और बाकी भाई बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन मुझे भाई दो पसंद आए चेक करने पे, मैंने ये दोनों ले लिए भाई, और लेके चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आगे सीन। हाँ जी भाई, तो अब मेरे को मिल चुकी है शाम को स्लीपर बस, और अब निकल रहे हैं भाई अपने घर के लिए, अपने को ना मतलब सोडा वास उतार देगी शाम को, मतलब रात को 11:30 भाई, अभी रात को मिल गई थी हमें अपनी स्लीपर बस, और सारे भाई जा रहे हैं भाई अपने घर पे, रात को ही निकल रहे हैं, लगभग 11 बजे का अराइवल है भाई छोड़ावास का, 11 तो भाई वैसे बज चुके हैं, 11:30 बजे का अराइवल है भाई, और छोड़ावास से अपने सोनू भाई की बाइक ले लेंगे और फिर निकलेंगे भाई अपने घर की ओर। और देखो भाई अपने सारे भाई यहाँ पे देखो, ये रहे अपने सोनू भाई, ये रहे अपने जीतू भाई, ये रहे अपने रविंदर जी, और देख सकते हो एक और बंदे हमारे साथ हैं, उनको भी दिखा देते हैं, नहीं दिखाएं नहीं दिखाएं नहीं, चलो रहने दीजिए, नहीं दिखाएंगे। और भाई आज के अपने ब्लॉग को करते हैं भाई यहीं पे एंड, उम्मीद आप हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा